अब बात आरपीएससी की तीन बड़ी परीक्षाओं की करते हैं जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चली इस परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच इंतजाम किए गए। नई सरकार में पहली परीक्षा सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी के साथ ही इस साल की पहली नेटबंदी परीक्षा देखने को मिली जब कड़े बंदोबस्त के साथ परीक्षा सफल रही। तो आपको बता दें कि तीन समस्याएं हुई और ये परीक्षाओं के बाद अब जो तस्वीरें निकल के देखिए सामने आई है, जो चेकिंग हुई वो भी आप देख सकते हैं, तमाम जो प्रशासन है वो मुस्तैद रहा। और भजनलाल सरकार में ये पहली परीक्षा थी तो ये भी जाहिर सी बात है कि चुनौती बहुत बड़ी होगी, किस तरह से शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक इन परीक्षाओं को कराया जाए। तो आपको बता दें कि 2 घंटे की ये परीक्षा थी और नेटबंदी भी की गई, कई जिलों में नेटबंदी हुई, नकल रोकने के कड़े इंतजाम किए गए। नई सरकार के सामने ये बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने आई। और तो संडे एग्जाम डे था और नेटबंदी रही और परीक्षा आज, और इंतजाम किस तरह के किए गए वो भी हमने आपको बताए और कई जगहों की वो तस्वीरें भी सामने आई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा आयोजित हुई। अजमेर जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अजमेर के 78 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो वहीं परीक्षा संपन्न होने पर परीक्षा केंद्र से सच बेधड़क संवाददाता नवीन वैष्णव ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में सुनिए। आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा आज संपन्न हुई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित का कहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की अभी तक सामने नहीं आई है। ये अभ्यर्थी कुछ निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की परीक्षा हुई थी जी, किस तरह की प्रश्न पत्र आया, कैसा रहा? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके का जो पेपर हुआ है उसका कटने का स्तर काफ़ी अच्छा था, और जो इकोनॉमी जो सर्वे है वो डीप स्तर पर पूछा गया, पेपर का लेवल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। किस तरह की व्यवस्थाएं रही और व्यवस्थाओं से क्या खुश नजर आए आप लोग, और वो जो पुराने गवर्नमेंट में जो पेपर लीक और ये हो रहे थे इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी और प्रबंध बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है और बहुत अच्छा लगा जी। जैसा अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इस बार व्यवस्थाएँ खासी अच्छी है, और भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे परीक्षा को लेकर। पेपर तो बहुत ज़्यादा आसान था, अगर तैयारी करने वाला कोई बंदा हो तो आराम से वो निकाल लेता। बाकी थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ क्वेश्चन ठीक थे, बाकी पेपर थोड़ा स्तरीय ही मानो आप, मीडियम टू मॉडरेट। किस तरह की परीक्षा दी थी आपने और व्यवस्थाओं से को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं में काफ़ी चेंज आया है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है इस बार, और जैसा कि आप देख रहे हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब भी आए हैं अभी, हमसे पहले इंस्पेक्टर साहब भी आए, आके निरीक्षण करके गए हैं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है, ना ही कहीं कोई पेपर लीक जैसा या कुछ विशेष कुछ इस तरह की बात सामने आई है। ऐसे में अब इन पेपर्स को आरपीएससी भिजवाने की जो कवायद करवाई जा रही है। अजमेर से कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मैं नवीन वैष्णव, सच बेधड़क। तो ये आपने सुना कि अजमेर का जायज़ा लिया और सुरक्षा को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम्स संपन्न हुए हैं, कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं है, और बिल्कुल एज़ पर गाइडलाइंस, एज पर रूल्स पूरी प्रक्रिया संपादित हुई है, और अब ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और पेपर्स अब आरपीएससी में, ओएमआर शीट्स आरपीएससी में जमा होने के लिए जल्द ही रवाना हो जाएंगी टीम्स। थैंक यू। सभी सेंटर्स पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम्स संपन्न हुए हैं, कहीं से भी कोई भी